दोस्तों आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर हैं वो अपने वीडियोस को कितने अच्छे तरीके से शूट करते हैं और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, जिसे कि देख के आपके भी मन में ख्याल आता है कि मैं भी इसके जैसा वीडियो बनाऊं। लेकिन आपको पता नहीं होता है कि आखिर कैसे वीडियोस को बनाया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल की मदद से कैसे अपने ब्लॉग वीडियो को शूट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो चीज़ आपको ध्यान में देना है कि आपके पास एक सेल्फी स्टिक होना चाहिए, जिससे कि आप अपने वीडियो को शूट करेंगे। क्योंकि अगर आप हाथ से शूट करते हैं तो आपका वीडियो शेक करेगा और वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इरिटेशन होगा उसे देखते हुए। तो आपको ये ले लेना है, इसका प्राइस है 200 से लेकर के 250 के बीच आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ परचेस कर लेना है, ये बड़ा भी होता है तो आप इसे परचेस कर लीजिएगा सबसे पहले। तो यहाँ पर मेरे पास ये है फ़ोन, और ये फ़ोन कोई बहुत हैवी नहीं है, मेरे पास वीवो का फ़ोन है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके से मिलेगा, तो आपको इन दोनों को इस तरीके से ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको इस फ़ोन को इस तरीके से इसमें लगा लेना होगा। आप यहां पर किसी भी चीज़ पर इन्वेस्ट करें या ना करें, लेकिन आपको एक माइक ले लेना है, क्योंकि यहां पर ब्लॉगिंग में 70% जो चीज़ होता है वो आपके माइक पर आ जाता है। क्योंकि आपका अगर ऑडियो ख़राब होगा तो आपका ब्लॉग कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। ना कैमरा ओपन कर लेना है इस तरीके से, और कैमरा ओपन करने के बाद आपको वीडियो मोड पर चले जाना है। इसका जो कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, 16 मेगापिक्सल का, और पीछे इसमें वाइड एंगल दिया हुआ है। अगर आपके कैमरा में वाइड एंगल दिया हुआ है तो जो सिनेमैटिक आपको शॉट लेना है वो वाइट एंगल पे हमेशा लेना है। वाइट एंगल पे क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छा एक लुक आता है देखने में, बहुत ही प्यारा सा। और यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा अपना ओपन करना है, और इस तरीके से आपको अपने वीडियो को शूट करना है। आपको इस तरीके से करना है, और जहाँ पर भी आपको सिनेमैटिक लेना है इस तरीके से आप घुमा करके इसको ले सकते हैं। और गाइस, जब भी आपको अपना ब्लॉग शूट करना है तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान देना है कि जो आपका कैमरा है वो इस तरीके से हल्का सा मूवमेंट करते रहना चाहिए, जिससे कि लोगों को देखने में बोरिंग ना लगे। तो आपको ये काम पहला करना है कि आपको अपना कैमरा हल्का सा इस तरीके से हमेशा रोटेट करते रहना है। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ आता है कि हम सिनेमैटिक शॉट कैसे लें। तो मैं आपको बता दूँ, सिनेमैटिक जो शॉट होता है फ़ोन से देखिए उतना अच्छा तो नहीं आएगा, लेकिन ख़राब भी नहीं आएगा। अगर आपके फ़ोन में वाइड एंगल दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको बैक कैमरा अपना ओपन करना है, और उसके बाद इस तरीके से आपको सिनेमैटिक शॉट ले लेना है। अब यहाँ पर सिनेमैटिक शॉट लेते समय आपको ऐसे दोनों हाथ को अपने इस तरीके से करना है ताकि ये ज़्यादा हिले ना, और इस तरीके से आपको ऐसे सिनेमैटिक शॉट लेना है ताकि ये अच्छे से आए, और उसमें जो सेक वाला प्रॉब्लम होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अपने फ़ोन को इस तरीके से पकड़ेंगे, ऐसे टाइट पकड़ना है आपको, और इस तरीके से आपको केवल आपको बॉडी अपना हिलाना है, ठीक है, जो ये हाथ है इस तरीके से आपको हिलाना है, पूरे बॉडी को नहीं मूवमेंट करना है। और साथ में प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए अच्छे से, कि आप अपने वीडियो को किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान देना है कि जब आपका सारा ब्लॉग एडिट हो जाता है तो उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट होता है उसको आपको 5 सेकेंड्स का कट करना है, और वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में ला कर लगा देना है, ताकि लोगों के अंदर एक जो है एक्साइटमेंट बना रहे और वो आपके वीडियोस को एंड तक देखे। तो जो आपका इंटरेस्टिंग पार्ट है उसे आपको स्टार्टिंग में लगा देना है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है। हाँ, आप जैसे ही दिन पर दिन काम करते जाएंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो मिलता जाएगा, और आप अपने ब्लॉग में नया करते चले जाएंगे। तो आपको स्टार्टअप कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। आपके पास एक ये ले लेना है आपको, अगर आप इसे नहीं लेते हैं तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा आपका वीडियो हिलेगा तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और आप जहाँ पर भी जा रहे हैं आपको सिनेमैटिक शॉट ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, और अपने वीडियो में केवल थोड़ा थोड़ा उसे लगाना है। तो बस आप इसी तरीके को फॉलो करके अपना फर्स्ट ब्लॉग बना सकते हैं, और आई होप करता हूँ कि आपका ब्लॉग वायरल भी होगा अगर आपने अच्छा बनाया। तो आपको ऑडियो पर ध्यान देना है, बोलने के स्टाइल पर ध्यान देना है, अपने ब्लॉगिंग पर ध्यान देना है कि आपको कहाँ पर कैसा सिनेमैटिक लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।